हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मामा ब्लॉगर। मामा ब्लॉगर में आज हम बना रहे हैं सूजी और बेसन से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए हमने थोड़ी सब्जियां ली हैं। एक गाजर लिए, कद्दूकस कर लिया, एक प्याज लिए, एक टमाटर, एक शिमला मिर्च और एक लाल मिर्च लिया है। तो देखिए, हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे सूजी को और इसी में डाल दिया हमने 4 चम्मच बेसन। अब बेसन और सूजी को अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो देखिए, ये है 1 कटोरी पानी। तो ये हमने पानी सब डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाते हुए इसे मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मसाले। तो डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम इसमें नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च और थोड़ी सी डालेंगे इसमें काली मिर्च। ये देखिए, अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब मिलाने के बाद अब हम इसमें सब्जियां मिलाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे एक मिर्च काट के डाली हुई है, ये गाजर है, शिमला मिर्च, टमाटर महीन महीन काट लिया है और एक प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो डाल लीजिए, नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। अब इन सब्जियों को हम बैटर में अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए, करीब आधा कटोरी पानी इसमें हम और डालेंगे और इसे अच्छे से बैटर को मिला देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी और बेसन भी अच्छे से फूल गया है और बैटर भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी सब्जियां डाल सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे। तो देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और सूजी और बेसन का नाश्ता बनना है तो इसमें आप लोग थोड़ी सी हींग भी डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसे इस तरीके से चला देंगे और इसमें डालेंगे 5-6 कड़ी पत्ते काट के हमने ले लिए हैं, इसे भी इसी में भून लेंगे। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे करीब 1/2 कटोरी पानी। अब इसे अच्छे से खोलाएंगे और हमने ये लिए हैं आलू, 1 छोटा आलू लिया है, उसे महीन महीन ग्रेट कर लिया है, ये भी इसी में डाल देंगे। तो देखिए, 1/2 कटोरी पानी हम और डालेंगे। कुल टोटल बैटर में और इसमें हमने 2-2.5 कटोरी पानी डाला है। तो अब इसे अच्छे से खोलाएंगे, जब ये खोलने लगेगा तब हम अपना इसमें बैटर डालेंगे। तो देखिए, पानी अच्छे से उबलने लगा है और ये आलू भी हमारे पक चुके हैं, क्योंकि ये महीन ग्रेड है तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो बड़े भी काट सकते हैं। तो देखिए, पानी उबल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अपने बैटर को। अब इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए हम इसका एक थिक बैटर बनाएंगे, एकदम सूखा। तो देखिए, हमारा बैटर थिक हो चुका है। तो अभी इसे हमें करीब 5 मिनट और पकाना है। जब ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगेगा तो समझ जाइए आप कि ये तैयार हो गया है। तो देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक ग्रीस की हुई थाली में निकालेंगे। तो देखिए, हमने थाली में निकाल लिया है, इसे हम एक साथ फैला देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए, इसे हमने जमा दिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसके पीसेस काटेंगे। तो देखिए, हमारा नाश्ता ठंडा हो गया है, अब हम इसके पीसेस काटेंगे। तो पीस आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं। तो देखिए, हमने ट्रायंगल शेप काटे हैं, आप चाहे तो चौकोर भी काट सकते हैं यानी गोल भी काट सकते हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो देखिए, ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसे नाश्ते को लगाएंगे।
देखिए हमारा नाश्ता सीख चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना ये देखने में अच्छा लग रहा है, उतना खाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए हमारा नाश्ता सीख चुका है एकदम बढ़िया, और इसे आप सॉस के साथ इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी खिलाइए। थैंक यू।